हाँ एलिजाबेथ रॉय, मैं आपके मुझे ना आपका नाम जो है ना बड़ा यूनिक सा लगा। बहने नहीं है, एक बहन है जो कि बैंकॉक में है, पाकिस्तान में नहीं है फिलहाल। तो आपने क्या समझा, निम्ना निकम्मी है? निम्ना ने अपने यूट्यूब चैनल पे ना आलू पालक गोश्त बना के दिखाया था। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। मुझे ये नहीं पता कि मेरे से भी लुलुलुलु आई हूँ यहाँ पे। सॉरी सॉरी, ये लुलुलुलु क्या होता है? हाँ हाँ, बिलाल सईद का सॉन्ग है, मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ। बिलाल सईद पसंद है आपको? नहीं पसंद नहीं, बट उसके गानों की शायरी काफी अच्छी होती है। वो तो होती है। काली रात ते होवे पे बारिश तेरी याद करे कोई साजिश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ एबीएनएन डिजिटल में, और मेरा नाम निम्रा अली है, और इस वक्त आप देख रहे हैं द निम्रा अली शो। और इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई है, इनका नाम है अलीज़े रॉय, एलिजाबेथ रॉय, सॉरी एलिजाबेथ रॉय। हाँ एलिजाबेथ रॉय, मैं आपके मुझे ना आपका नाम जो है ना बड़ा यूनिक सा लगा, क्योंकि ये अमीरों वाला नाम है ना, रॉय एलिजाबेथ रॉय, देखो ये बोलने में या निम्रा अली, निम्रा अली, ताहिर अब्बास कैमरा मैन, सानिया क्या, एमी एलिजाबेथ रॉय, ये बोलने में ना नॉट रॉय, राय, आर ए आई, राय, चलो राय सब्जी वो मसालों में होती है ना, क्या होती है राय, राय पता नहीं, चले गोली मारे। चलो मेरा ये जो है ना, इन्होंने गाना गाया मोटरवे, मोटरवे, मैं आपसे वो गाना भी सुनूंगी। सबसे पहले तो ये कि इनकी ना मुझे ड्रेसिंग अच्छी लग रही थी, कोई है ना मॉडर्न टाइप, जब ये आ रही थी मैंने कहा वाह कितना प्यारा चल के आ रही है। तो ना मैं आपसे ये पूछूंगी, ये जो आपकी ड्रेसिंग है, ये इतनी स्टाइलिंग है, ये खुद ही करती हैं? जी बिल्कुल खुद ही करती हूँ। ये मेरे देखे ना, मेरे पीछे 1700 लोग ने मेरा ऐप आला था ना, ये ना लो ऐसे नहीं कुछ होता। नहीं, जो तुम्हारा दिल करता है, जो अगर तुम्हारा ये है ना कि ये मैंने पहनना है तो बस पहन लो, किसी की ना सुना करो, अपनी सुना करो, ठीक है? नहीं वो तो मैं खुद ही पहनती हूँ, किसी को सुनने वाली निम्रा है नहीं, लेकिन नहीं एक एडवाइस होती है ना, जैसे ये वाली घड़ी ना पहनो, इसके साथ मैच नहीं हो रही, ये वाली पहनो। बहने वगैरह ऐसे हैं वैसे आपकी बहने? हम दो बहने और भाई, और तीन भाई हैं माशाल्लाह। तो बहने वगैरह सजेस्ट करती हैं? बहने नहीं है, एक बहन है जो कि अभी बैंकॉक में है, पाकिस्तान में नहीं है फिलहाल, वो अमीर हो। अच्छा ये अमीर गरीब क्या होता है वैसे, मुझे जरा बताओ। ये शुगर शुगर में कह देती हूँ, अमीर गरीब क्या होता है, सारे एक जैसे होते हैं, कोई कह तो सही है, सारे एक जैसे होते हैं। एग्जैक्टली। तो आप जीएनएन में सिंगिंग करती हैं? हाँ मैं उनके शो की लीड सिंगर हूँ, तारों से करे बातों की। तो मुझे कब बुला रही है तारों से करे बातें, आखिर सितारा तो मैं भी हूँ। हाँ आपको जरूर बुलाएंगे हम किसी दिन। चलें ठीक है। रोटी बनानी आती है? रोटी बनानी आती है, चावल बनाने आते हैं, बिरयानी बनानी आती है, फिर कढ़ाई बनानी आती है, फिर मुझे काफी कुछ बनाना आता है, चाइनीज बनाना आता है। और शेफ है? हाँ छोटी मोटी। बाप तो बड़ी अच्छी है, मैं बताती हूँ मुझे भी बड़ा कुछ बनाना था। आपने क्या समझा, निम्ना निकम्मी है? निम्ना ने अपने यूट्यूब चैनल पे ना आलू पालक गोश्त बना के दिखाया था, बड़े मजे के बने थे, लोगों ने पसंद भी किए थे, लोग कहते हैं हम सुबह ही बनाएंगे। अच्छा, तो अच्छा दूसरा सवाल ये है कि आपको कभी प्यार हुआ है? प्यार मुझे बिल्कुल हुआ है, और बचपन में ही हो गया था प्यार मुझे, म्यूजिक से प्यार हो गया। बड़ी वैसे तेज, अच्छा कवर किया है। देखे जरा मैं कवर करती हूँ, आपने भी कवर कर दिया। नहीं मैं कवर नहीं करती, मैं जो सच है सच है, मैं सामने बोल देती हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना इसलिए। अच्छा फिर बस उससे प्यार है? हाँ उससे प्यार है। और उसके अलावा? उसके अलावा किसी से नहीं है, उसके अलावा मुझे अपने माँ बाप से प्यार है, उसके अलावा मुझे अल्लाह मियाँ से प्यार है, अपने बहन भाइयों से प्यार है, फिर उसके बाद मुझे अपने दोस्तों से प्यार है, अपने बेस्ट फ्रेंड से। ये मेरे जैसे ही है, मैं इधर उधर कहीं घुसती नहीं हूँ, बस जो मेरा काम है ना मुझे उससे प्यार है, अम्मी अब्बू। हाँ खैर अब्बू तो है नहीं, अब्बू से भी बड़ा प्यार, बीच में गुस्सा भी करती थी, फ्रिज कितनी छोटी है अचानक मेरी इसमें चलेगी। अच्छा तीसरा अच्छा। सवाल ये है कि आप कभी ख्वाब में किसी स्टार को देखा है? किसी स्टार को यानी किसी एक्टर को देखा है? नहीं कभी भी नहीं। कोई क्रश नहीं होता जैसे मेरा होता है शाहरुख खान, ये आहद रजा मीर, हुमायूं सईद, ऐसे? यार मेरा कोई क्रश नहीं है, पता है मुझे कोई पसंद नहीं आता जल्दी, मुझे कोई चीज जल्दी पसंद नहीं आती, इंसान कहाँ पसंद आएंगे ऐसे। तो ना मैं नहीं, आपको अच्छी लगी? नहीं तुम बहुत प्यारी हो, क्यूट सी हो, इतनी इतनी डॉल सी हो यार, ये नहीं पसंद आई तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई हो। मुझे यहाँ पर जो मुझे पसंद करना ना, फिर वो अगला बंदा तो मुझे अपने आप ही पसंद आ जाता है। अब ये कह रहे हैं मुझे पसंद कर लिया, मैंने इनको पसंद कर लिया, मुझे अच्छा लगा आप। अच्छा चलिए ठीक है। अभी मेरा तीसरा सवाल ये है कि जो आपने गाना गाया है वो आपने तो इनके साथ गाया, अगर मेरे लिए आपको कोई गाना मुझ पर डेडिकेट करना हो तो कौन सा करेंगे?
कौन सा करूँगी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे, आगे पता नहीं क्या है मुझे भूल गया। आपको आ रहे तो ये देखिए इतना अच्छा गाना मैंने डेडिकेट किया आपको। क्या अभी कौन सा हिरन था ऐसा कुछ था, चले एक लड़की तो हूँ ना मैं ऐसी। अच्छा थैंक यू, कितनी तारीफें हैं ये भी तो देखो ना। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी हैं। अब मेरा अगला सवाल ये है कि एक एलिजाबेथ रॉय जो भी है वो है यूके की क्वीन। यस, आप कहाँ की क्वीन है? मैं कहीं की क्वीन नहीं हूँ यार, कम ऑन। यही कहा था मैं सिंगिंग की क्वीन हूँ। नहीं अभी सिंगिंग की क्वीन नहीं हूँ, अभी तो काफ़ी कुछ सीखना है, अभी तो म्यूजिक में काफ़ी कुछ सीखना है, अभी तो शुरुआत है सिर्फ। जो आपका सॉन्ग है मैं वो सुनना चाहूँगी, और मेरे मोटरवे जो कि अभी आया वो। हाँ जी वो वाला जरूर है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी पर्सनालिटी देख के लग ही नहीं रहा कि आपने पंजाबी गाना गाया होगा। पंजाबी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, सराइकी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, और ये पंजाबी है ना काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है मुझे, तब जाके होता है, अदरवाइज तो बिल्कुल भी नहीं। वरना मैं उर्दू या इंग्लिश सॉन्ग्स, दैट्स इट। और इसमें हेल्प काफी किया ताहिर ने मेरी। वही ना, मैं मुझे आपकी पर्सनैलिटी देख के लग रहा था कि कुछ तो है। चले सुनाए फिर। अच्छा, मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दिया कच्चियां सड़का तू मैं मोटर भी कुर्बान करा। थैंक यू जी। अच्छा बहुत अच्छा गाया माशाल्लाह, आपकी आवाज़ तो प्यारी है। थैंक यू। जब बंदा गाना गाता है ना तो फिर बंदे की आवाज़ चेंज ही हो जाती है, जैसे मेरी, मैं वैसे तो चुपचुप थोड़ी सी रहती हूँ, लेकिन जब मैं कैमरे के आगे आती हूँ पता नहीं क्यों मेरी चटरपट में जुबान चलने लग जाती है। तो मेरा अगला ये सवाल है कि आप इतनी फेमस हैं, कभी आपने सोचा था कि आप निम्रानी से मिलेंगी? मैंने कभी भी नहीं जिंदगी में सोचा था सच में। अच्छा आपको पता है ना मैं फेमस हूँ वैसे, कि मुझे आप जानती नहीं है मैं। हाँ ना? अच्छा नहीं, मुझे बताया था ताहिर ने आपके बारे में। ताहिर ने क्यों बताया था? वैसे नहीं कहीं फोन पे नहीं देखा क्या? मैं ताहिर ने बताया था और मैंने सर्च किया था। सर्च किया था मतलब मैं इतनी फेमस हूँ? आपको किसी ने बताया कि निम्रा लिया है? अच्छा दिल छोटा ना करो यार, कम ऑन। दिल नहीं छोटा है, दिल और बड़ा हो रहा है, कोई मुझे जानता नहीं क्योंकि मुझे हर कोई जानता है। आपको कभी, आपने कभी सोचा था कि निम्रा आएगी, ये देखे मैं आज आपके पास खुद आई हूँ चलने के लिए, मैंने कहा चलो इनका भी ले लूं इंटरव्यू, क्या याद करेंगी? तो आप अच्छा फील कर रही हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ रियली, मतलब तो मुझे शुक्रगुजार ही हो जाए। मेरी लाइफ का ये ऐसा इंटरव्यू है जो कि मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। निम्रा जिससे कभी एक बार मिल ले ना, ऐसा हो नहीं सकता वो अगला बंदा भूल जाए। मैं किसी से सब्जी भी ले आऊँ ना तो सब्जी वाला भी मुझे याद रख लेता, अगली बार मुझे कहता है वही है ना जो मेरे से सब्जी लेके गई थी। ऐसे होता है, पहले हम कहीं रहते थे ना हमारे पिछले मोहल्ले में, तो ना वहाँ पर गोश्त मार्केट होती थी, वो देखो गोश्त मार्केट भी मशहूर हो गया, वहाँ कभी गोश्त बिकना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पर ना मैं कभी सब्जी लेने जाती थी ना, तो वहाँ पर एक ऐनक वाले अंकल होते थे, हम वहीं जाते जाते ना तो हम उन्हीं से सब्जी लेते थे, उन्हीं से। तो मैं उनके पास भी जाके ये सब्जी इतने की क्यों लगाई हुई, ये क्यों ऐसे लेती, मेरी मम्मा थी लेकिन ना मैं अपनी मम्मा के साथ हेल्प करवाती हूँ बार्गनिंग में ना, अच्छी मैं सस्ता कर लेती हूँ। हम कपड़े लेने जाए ना तो मेरी मामा पीछे खड़ी हो जाती है, क्योंकि नहीं ये मेरी मामा क्या करती है, ये इतने का नहीं, चलो अभी चले निम्रा। मैं कहती हूँ अम्मी सबर तो कर दिया करें, उनसे बात तो करने फिर हम करते हैं, इतना करें इतना लगाना तो ठीक है, नहीं तो ना सी हम चलते चलते आधे, अच्छा चलो आओ बाजी आओ, ऐसे करके हमें बुला लेते, फिर वो भी मुझे याद रख लेते, अगली बार हम वहाँ से गुजरे ना बाजी पीछे भी लाके गए ना, आइयो हूँ फिर आइयो तू रियाज कर दवांगी, फिर इस तरह वो हमें दोबारा बुला लेते, हम दोबारा उन्हीं से शॉपिंग कर लेते। मैं एक ऐसी चीज हूँ जहाँ मुझे सब्जी वाला भी मिल जाए ना, एक बार मैं उसे मिल जाऊँ ना, मैं दोबारा मुझे भूलता नहीं है। अच्छा खाती क्या हो बाय द वे? आप क्या खाती हैं बाय द वे? क्या क्या खाती हो? आपकी इतनी अच्छी आवाज है, आप क्या खाती हो? कब्बे कब्बे खाती हो? नहीं 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 नहीं, ये देखे मेरी बात सुने, शायद कब्बे खाती हो, मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, आपकी इतनी सुरीली आवाज है तो मैंने आपको क्या क्या, आप सुर खाती हैं? ना मैं खाती हूँ सुर, मैं सुर खाती हूँ। तो फिर मेरी इतनी तेज या बोलने वाली आवाज़ तो मैं कभी खाती हूँ? वेरी गुड यार, वेरी गुड। जी चलो ये बात पता चल गई लोगों को कि तुम ज्यादा क्यों बोलती हो, ये पता चल गया, ठीक है। ये बोलना काम है, बोलने की वजह से आई हूँ, अगर बोलूंगी तो फिर लुढ़कते लुढ़कते फिर वापस जहाँ पे वहीं पर आ जाऊंगी मैं, अगर मैंने चुप करना शुरू कर दिया तो। नहीं नहीं अच्छी बात है, बोलना बड़ी अच्छी बात है, हंसना हंसते रहना बोलना बड़ी अच्छी। अगर मेरी वजह से कोई दो चार बंदे हंस जाते तो मेरा क्या जाता है? मुझे लगता नहीं तो क्या हंसेंगे। नहीं मैं तुम्हारे, नहीं यार तुम्हारे साथ बैठ के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो यार कैसी बातें करती हो, कम ऑन। मुझे भी आपके साथ बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा मेरा अगला सवाल ये है, आपके करियर के हिसाब से है मेरा सवाल, कि आपने करियर कैसे स्टार्ट किया?
करियर कैसे स्टार्ट किया है? मैंने पीटीवी होम से किया था फिरदौसे गोश में, उसमें फरीहा परवेज़ जी होस्ट थी और वो सेमी क्लासिकल एंड क्लासिकल शो था बेसिकली जो पीटीवी होम पे चलता था. अब तो खैर वो बंद हो चुका हुआ है, बट इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड इट वाज अमेजिंग शो. तो वहाँ से स्टार्ट किया, तो सिंगिंग का शौक कहाँ से पैदा हुआ? मैं जब 6 साल की थी तब पैदा हुआ था मेरे अंदर शौक ये वाला. तो सिंगिंग स्टार्ट कब की? बता तो रही हूँ, 2011 में. हाँ ना, पीटीवी होम में मेरा पहला शो था जब मैं 9th class में थी और मैं आई गेस 17 या 16 ईयर्स की होंगी तब. अच्छा, मैं कहती हूँ बस मैं ही हूँ जो जवान हूँ, जो इस इंडस्ट्री में आ गई, मुझे ये नहीं पता कि मेरे से भी लुलुलु आई हूँ या पहले. सॉरी, ये लुलुलु क्या होता है? मतलब नन्हे पुजे, छोटे छोटे. अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरी देसी लैंग्वेज है. अच्छा अच्छा अच्छा, देसी लैंग्वेज है. हाँ ओके, ठीक है. इंग्लिश भी आती है ये. अच्छा अच्छा, नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू. लेकिन ये करूंगी नहीं, जो है वही करूंगी. ज्यादा शौकिया मारने की मुझे आदत नहीं है. मैं मैट्रिक किया है क्या है, और ना ही किसी महंगे स्कूल से मैं पढ़ी हूँ. 20 रुपए फीस देके मैं पढ़ी. कोई बात नहीं यार, 20 रुपए दो, 5 रुपए तो पढ़ी तो होना यार एटलीस्ट. हाँ बस ठीक है. गवर्नमेंट कनेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल से मैंने पढ़ा है. पता है पाकिस्तान में 3rd नंबर पे आता है. वो एक बूढ़ी सी आंटी है, वो हमारे स्कूल से पढ़ के गई है, बहुत बड़ी एक्टर बन चुकी है. अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि अपकमिंग जो सॉन्ग्स आ रहे हैं, आगे जो प्रोजेक्ट्स कर रही हैं उनके बारे में बताएं. अपकमिंग ये तो आ गया, एंड मेरा एक और सॉन्ग आ रहा है, वो भी एक सरप्राइज है और वो डू इट है. एक और मेल सिंगर है, मैं नाम अभी आउट नहीं करूँगी. आई गेस 3-4 सॉन्ग्स मेरे आने वाले हैं. तो 3-4 सॉन्ग्स आएंगे, फिर मैंने लुढ़क के इंटरव्यू लेने आ जाना. आ जाना यार, मोस्ट वेलकम. मैं तो वेट करूँगी. तो नाम भी नहीं बताएंगी गानों का? नहीं नहीं, नाम नहीं बताऊँगी अभी. अच्छा, 4-5 आ रहे हैं इसका मतलब? यस आ रहे हैं, और बाकी मसरूफियत ये है कि हमारे दोबारा से शो स्टार्ट होंगे. एंड क्योंकि कोविड के बाद मतलब मेरा ये 6th या 7th शो होगा आई गेस. अच्छा, तो, कोविड में नहीं हो रहा था कुछ? नहीं, 8 months तो वैसे ही हम बैठे रहे ना घर पे. मेरा अगला सवाल ये, यानी शोबिज में जाने का शौक है, एक्ट्रेस बनने का शौक है? एक्ट्रेस बनने का शौक थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है मुझे. पहले मैं क्योंकि मेरा पूरा फोकस अभी म्यूज़िक की तरफ है, एंड जैसे ही म्यूज़िक में लाइक मेरा एक मुझे समझ आएगी कि ठीक है ये सही चल रहा है अब, तो देन उसके बाद मैं मूव करूँगी एक्टिंग. सो थोड़ी बहुत आती है एक्टिंग, बहुत ज़्यादा नहीं. उसके लिए तो वैसे भी आई गेस बहुत ज़्यादा क्लासेस लेने की ज़रूरत है, एक्टिंग आसान नहीं है. तो अगर कोई ड्रामा ऑफर हो तो किस हीरो के साथ करना चाहेंगी? कोई फेवरेट वन भी नहीं है. मैं उसके साथ करना चाहूँगी, क्या नाम है, जुनैद खान के साथ. वो कौन है? जुनैद खान इश्क तमाशा वाला. हाँ मुझे समझ लगी, वो भी गाने गाते हैं ना. हाँ मैंने कॉक स्टूडियो में उनको गाने गाते हुए देखा. कॉल बैंड के सिंगर. हाँ यस. अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि जब आप बहुत ही सैड लोन अकेली होती हैं तो फिर आप कौन सा गाना सुनती हैं, या आपको कोई बहुत पसंद हो कि मैं हाँ ये वाला गाना सुनूं तो इससे मैं थोड़ी मुझे रेस्ट मिलेंगी, ऐसा कौन सा कोई गाना है? हाँ बिलाल सईद का सॉन्ग है एक, मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ. बिलाल सईद पसंद है आपको? नहीं पसंद नहीं, बट उसके गानों की शायरी काफ़ी अच्छी होती है. हाँ, वो तो कंपोज करना और उसके लिरिक्स काफ़ी अच्छे होते हैं. कौन सा? तो मैं भी सुनाती हूँ जो कि मैं सुनती हूँ अकेले. काली रात ते होवे पई बारिश, तेरी याद करे कोई साजिश, नाले दिल दिए फरमाइश, तू एक बारी आ जावे है के दिल जरा लग जावे, तू एक बारी आ जावे है के दिल जरा लग जावे. मुश्किल दिलों जे समझाना तेनू सजना पैनायाना, जग दिया पेड़क दर्द पुराना कोल बैठा के तेनू सुनाना, मर जाने इस चंदड़े दिल दी पूरी हो जाए ख्वाहिश, तू एक बारी आ जा. अच्छा गाती है माशाल्लाह. थैंक यू. मैं ना एक कोई पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी. जैसे मैंने धर्मपुरे से मैंने ये फ्रॉक लेके पहना हुआ है, तो आपने कभी लोकल यूज़ किया या बस ब्रांड ही?
यार नहीं कुछ लोग होते हैं ना ब्रांड कॉन्शियस, मैं सिर्फ ब्रांड ही पहनूंगी. मैं ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल नहीं हूँ, नेवर. मुझे कुछ भी मिल जाए मैं ले लेती हूँ. कहीं बाजार जा रही हूँ, हाँ ये पसंद आ रहा है चलो ये ले लें. हाँ या मॉल वगैरह से शॉपिंग करनी. यानी ब्रांड्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होता ये, जो मिले अच्छा लगे पकड़ लो. दैट्स मिले तो सही था ना. मुझे सारे मुझे कहते तुम क्या धर्मपुर हो, तुम ब्रांड अब यूज करना, तुम ब्रांड पहनो, तुम ये क्या बात हुई, ये अगर पहन सकती है लंडा बाजार तो पहन सकती. लंडा बाजार नहीं, ब्रांड्स वाले भी यही करते हैं, कपड़ा उठा के और लिबर्टी के वो नीचे बेसमेंट में जो है टेलर्स उनको पकड़ा के सिलवा के. ये मेरी बात सुनिए, अब जो इन्होंने ये घड़ी पहनी हुई है ये क्या आपको क्या पक्का पता है ये 2000 की है? ना जी ना, मैं आपको बताती हूँ. मैं मेरी एक कजन थी वो ऐसे कॉस्मेटिक शॉप से काम करती थी, तो ना वहां पर ना वो कोड रीडर कोड राइटर थी, यानी कोड लिखती थी असली कीमत और नकली कीमत. तो उसने ऐसी दो घड़ियां बेची, पेयर था, कपल वॉच थी, तो ना उसने बेची, तो ना उसने उसके प्राइस जो थे ना 2500 थे, तो ना सर ने जब उसको कोड लिखवाया तो 550, 550 की घड़ी ला के आप 2500 की बेच रहे हैं, क्या समझते हैं हम पागल हैं? हैं ब्रांड ब्रांड का चुस मारी हुई है, कोई ब्रांड ब्रूंड नहीं होता, बस हैंगर में लटका के जी आगा नूर का जोड़ा ही है, आगा नूर का भाई जोड़ा मैं वहां से 2500 का ले आऊं तो फिर क्या आगा नूर का क्या धर्मपुरा. ऐसे ऐसे बिल्कुल कोई ब्रांड ब्रूंड नहीं होता. मैंने ये रखो स्पॉन्सर किया हुआ कपड़ा. हाँ यार ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बिल्कुल. मैं ना थोड़ा चमक दमक में, मुझे ना डुड़ने की आदत है, यानी मैं ये मुझे इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या उसको क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल. मुझे ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनना बहुत अच्छा लगता है. मैं जीन्स और वगैरह वगैरह भी पहनती हूँ, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं ये ना पहना करो, तुम इसमें अच्छी लगती हो, तुम ये पहना करो, इसलिए मैं ये पहनती हूँ. सबको कॉलेज में फंक्शन होता है फिर वो भी पहन जाती है, लड़कियाँ लड़कियाँ होती हैं ऐसे. चलो ठीक है, चले आपके साथ मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा. मुझे भी यार बहुत अच्छा लगा मिलके. थोड़ी अपनायत अपनायत होती है ना. बिल्कुल अपनायत अपनायत होती है. एलिजाबेथ राय राय अपनी राय तहरीर करें मौला राय. वही मेरा राय ना. हाँ हाँ बिल्कुल. चले मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू आपने मुझे अपना टाइम दिया. थैंक यू सो मच. मुझे भी यही कहते हैं थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा मैं एक और गाना सुनूं, कोई और गाना सुनाना चाहेंगी? चलो हम दोनों इकट्ठे गाते हैं. अच्छा जो आपका और ताहिर अब्बास का जो गाना है मोटरवे बहुत जा रहा है, ट्रेंड पर है, तो मैं आपको और उनको बिठा के ऑफ कोर्स आई एम आल्सो अ वेरी बिग पर्सन, मैं आपको पता नहीं है कितनी बड़ी सिंगर हूँ. अच्छा, कहाँ कहाँ मैंने जाके गाया है गाना, तो मैं उनको भी इन्वाइट करूंगी, वो आए अपने कदम रखे हैं, थोड़ा गाना गाएं. आओ आओ जल्दी चलो भाई, कदम रखो अपने ताहिर. मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दिया कच्चियां सड़का तू मैं मोटर वे कुर्बान करा, तेरे पिंड दिया कच्चियां सड़का तू मैं मोटर वे कुर्बान करा. थ्री सिंगर्स आर अवेलेबल. वैसे भी इसने गाना गवाना हो तो ग्वाले कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है ना. आप और मैं अपकमिंग सॉन्ग गाएंगे ना, प्लीज मुझे देने लगा ना. हाँ हाँ ठीक है. बाद में नाना लिया फिर मैं ऑडियंस को ले आऊंगी. ठीक है चलें जी. ये था मेरा शो द निमरा अली शो APNN डिजिटल की तरफ से. अगर आपने मेरा इसी तरह और भी कई ज़्यादा इंटरव्यूज देखने हैं, जैसे ये फेमस है वो फेमस है और मैं फेमस हूँ, तो ऐसे और भी फेमस लोग होंगे मेरे साथ अगले किसी शो में, तो APNN डिजिटल के साथ द निमरा अली शो देखते रहिए और कमेंट करके बताइएगा कि शो कैसा लगा और आगे मैं क्या पहनूं, किस कलर का ड्रेस पहनूं, क्या पहनूं, तो फिर मुझे बताते रहना. अब मैं आपसे लूंगी इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए द निमरा अली शो. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. क्या जाना सी.